सबसे पहले आप तमाम मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज आम आदमी पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार अपना परिवार बढ़ा रही है, आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार देख करके भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बौखला गई है। आज आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बात कर लो या गुजरात की बात कर लो, आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो बौखला चुकी है। आप देखिए हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऊंचे कद के नेता हैं, वो चाहे आप ले लो नड्डा जी के रूप में। आप गुजरात की बात करते हैं, गुजरात के अंदर गुजरात से देश के प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात से हैं, जो इनके एक बड़े लीडर हैं अपने अमित शाह जी, वो गुजरात से हैं। और आज हिमाचल प्रदेश के अंदर गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकारें हैं, लेकिन कोई काम नहीं किया, सारी जनता परेशान हो चुकी है और इसी वजह से ईमानदार नेता केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर के वो तमाम लोग, उन लोगों ने आम आदमी पार्टी को अपना इस बार से जनाधार देने की विचार बनाया है। उनका लगातार जो है आम आदमी पार्टी के लिए रुझान बढ़ता देख करके भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और इस बौखलाहट में हमारे जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी के ऊपर उन्होंने रेड करवाई, सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं, ईडी की रेड करवाई जा रही है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की जो बढ़ती हुई रफ्तार है उसको रोकना चाहती है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, हमारे डिप्टी सीएम दिल्ली मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं आगे बढ़ूंगा और आप जितने मर्जी छापेमारी करवा लिए, हम सच्चे लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं, हम निडर लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की इन छापेमारी से, इन झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं है। हम पूरे देश के अंदर जो है एक ईमानदार सरकार लेकर के आएंगे। और इसी वजह से जो है आज जो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे हमारे सत्येंद्र जैन जी हो, उनके ऊपर जो छापेमारी की गई है वो बेबुनियाद है, वो झूठी है। और इसका जो बदला आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बना करके देगी, गुजरात की जनता गुजरात के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बना करके इस तानाशाह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है करारा जवाब देने वाली है। आज आप तमाम मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल